गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बी ऑसम टीएलएफ। तो आज हम लोग आ चुके हैं सेक्टर 90 मोहाली में एनपी टावर के बिल्कुल सामने। और यहाँ पे ना एक बहुत ही प्यारी सी लोकेशन है और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ आते रहते हैं, खाना बहुत टेस्टी है, ऐसी बातें सुनने को हमें मिल रही थी। तो यहाँ की जो ओनर है जिनका नाम है अमन हुंडल, तो उसकी स्टारी जो उनकी कहानी है ना वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और खाने में ऐसा क्या स्पेशल है कि यहाँ पे 6 महीने के अंदर अंदर अभी इनको सिर्फ 6 मंथ्स हुए हैं स्टार्ट किए हुए, और इतनी भीड़ यूट्यूब पे, इतनी वीडियोस क्यों आ रही है। तो हमने कहा कि हम भी जाके पता करें, बी ऑसम का स्टैम्प यहाँ पे लगाएं कि भाई टेस्टी है खाना, क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, प्राइसिंग कैसी है और क्या स्टोरी है, ये सब जानने के लिए आज हम लोग यहाँ आ चुके हैं। एंड आई एम गोइंग टू ट्राई इट आउट द एंटायर मील। बट पूरी वीडियो देखने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक आर वीडियोज एंड बीमारी की हालत में भी शूट करते हुए अगर आपको हम अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारा थैंक यू बटन क्लिक करके सपोर्ट शो कर सकते हो। ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा कॉन्टेंट मिलता है और नई नई जगहें भी हमें कॉमेंट्स करके बता सकते हो। तो अभी चलते हैं, अमन से बात करते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं और जानते हैं कि भाई 6 महीने में ऐसा क्या किया, ऐसा कौन सा बिजनेस प्लान और बिजनेस स्ट्रैटेजी है कि बिजनेस को 4 चांद लग गए, क्योंकि फिर हम भी अपना लें, क्योंकि यूट्यूब पे तो हम वहीं खड़े हैं, हमारे तो 4 चांद लगने में भी टाइम है। सो लेट्स गो। हमारा जो खाना है वो आ चुका है। तो मैंने ऑर्डर करा था यहाँ पे चिकन राइस, जो कि इनकी जो रेट है ना काफ़ी रीजनेबल है। ये जो थाली है दैट कॉस्ट अराउंड 130 रुपीज़। सो जो अमन की स्टोरी है दैट इज़ क्वाइट इंस्पायरिंग एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग कि मतलब इतना पढ़ी लिखी लड़की जिसके पास पूरे अपॉर्चुनिटीज़ हैं अब्रॉड जाके सेटल होने के, शी इज़ कॉन्टिन्यूइंग हर बिजनेस, हर ओन बिजनेस इन इंडिया, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट। और लोगों का भी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो भाई 6 महीने के अंदर अंदर अगर लोगों को खाना इतना पसंद आ रहा है तो ऐसी क्या बात है। सो लेट्स ट्राई इट आउट। सो ये है हमारे चिकन राइस थाली। चिकन देख रहे हो आप कितने आराम से अलग हो गया है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि मतलब अच्छी तरह से पका हुआ है। देन आई लव द हरी चटनी वाला चीज़, एंड देन दे हैव गिवन अस थोड़े आलू, वो मैं बाद में डालूंगी। जो टेस्ट की बात करें ना वो बहुत ही ज़्यादा मैं कह सकती हूँ बैलेंस्ड है, इन द सेंस कि हल्का हल्का टैंगीनेस है। और जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा, कई बार ऐसा होता है ओवर द टॉप मसाले डाले होते हैं, मतलब बिल्कुल ही ज़्यादा लगते हैं मुँह में, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, टेस्ट बिल्कुल बैलेंस है। राइस मुझे काफ़ी अच्छे लगे, जैसे कि दाना खाना अलग है वो वाली बात हम कह सकते हैं, एंड आई लव द चटनी। सो ओवरऑल आई रियली लाइक दिस थाली एट 130 रुपीज़, यू आर गेटिंग दिस होममेड फूड, तो देन बात ही क्या है यार। मतलब इसके बाद हम लोग जो लोग यहाँ खा रहे हैं उनसे भी बात करके पूछेंगे कि भाई उनको कैसा लगा, तब तक मैं ज़रा अपनी थाली कंप्लीट कर लेती हूँ एंड देन वी विल टॉक फर्दर। सो गाइज अभी जिनके बारे में हम इतनी बातें कर रहे थे कि यार यहाँ पे आओगे अमेजिंग सा खाना मिलेगा और जो यहाँ की ओनर है उनसे बात करोगे, शी इज़ ऑल्सो वेरी स्वीट, तो अब हम उनसे मिल ही लेते हैं। तो इनका नाम है अमन, है ना। सो अमन मुझे थोड़ी सी अपनी नहीं पकड़ती हूँ उसको, पहले खड़खड़ हो गया था। सो अब मुझे थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताओ कि मतलब लाइक हाउ डू यू स्टार्टेड, हाउ यू फाइंड दिस प्लेस और कैसे ये जर्नी रही है। मैं इंडिया में आई थी 2019 में, तो मैं अपनी फैमिली से मिलने आई थी, जैसे रिलेटिव्स को, इससे पहले मैं 5 साल बाहर रही हूँ तो इतना इंडिया मैंने ट्रैवल भी नहीं करा था। मेरे को था कि चलो अपने गाँव वगैरह, जैसे मैं एक जट सिख फैमिली से हूँ तो सारे रिश्तेदार मोस्टली उधर होते हैं, वैसे तो सारी फैमिलीज बाहर हैं, एक एक मेम्बर है सबका यहीं पर। तो जैसे मैं हर किसी के पास जाती थी, मैम किसी के पास चाची है, मामी है, मामा है, मतलब बाकी सारे ही बाहर होते हैं, तो मैं देखती यार सारे अपने सारे पंजाबी बाहर है, हर किसी को लगता है कि मेरे रिश्तेदार बाहर है। और अब हर किसी का देखो ना सबके ही बाहर होते हैं, पहले होता था कि किसी का ना कोई कोई रिलेटिव बाहर होता था, आज जिसको भी पूछ लो ना उसका कोई कोई रिलेटिव है जो इंडिया में रहेगा। तो मेरे को ना बड़ा अजीब सा लगा कि ये सारी दुनिया ही बाहर चली गई है ना, तो अपने पंजाब है जो भी गाँव है हमारे, है ना, तो वो भी इतने अभी डेवलप हुए ही नहीं है कि इतनी टेक्नोलॉजी वहाँ पे पहुँची नहीं है। जो बच्चे किसी को भी पूछ लो प्लस टू कर रहा है तो उसके बाद उसने क्या करना, हाँ जी मैंने आइल्स करना है तो मैंने बाहर ही जाना है। तो मैंने सोचा यार सारी बाहर जाई जा रहे हैं, चलो हर बंदे का शौक भी है बाहर जाना कि इंडिया में उसको लगता है कुछ नहीं दिख रहा, करियर ऑप्शन नहीं दिख। तो मेरा भी आगे प्लान यही था फैमिली के साथ कैनेडा ही मूव होने का,
तो उनको मैंने कुछ डिस्कस नहीं करा हुआ था कि मेरा अपना कुछ बिजनेस प्लान है, कि मैंने खुद एक बिजनेस करना है। मेरे को था कि बाहर जाके या जॉब्स करनी पड़ेगी, जैसे मेरे ऑलरेडी दो ब्रदर बाहर हैं, कि न्यूजीलैंड में एक कनाडा में है, फैमिली भी बाहर है, तो मैंने सोचा ये ऐसे ही जॉब्स करनी पड़ेंगी बाहर जाके भी, कुछ भी है एकदम से तो आप बाहर स्टार्ट कर नहीं सकते थे। एक दो साल स्ट्रगल वहाँ पे भी करके, पता नहीं कितने साल लग जाते, 4-5 साल भी लग सकते एकदम से इतने बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट करनी है ना। तो फिर जैसे मैं मोहाली में आई, यहाँ पे मैंने ट्रैवल करा, मेरे को मोहाली एक अच्छी सिटी लगी कि बहुत अच्छी है, जैसे हम छोटे शहर से हैं तो उसके मुकाबले ये बड़ी अच्छी सिटी थी। यहाँ पे मैंने देखा कि होम स्टाइल फूड काफ़ी चल रहे हैं, काफ़ी लोग अच्छे अच्छे पंजाबी हैं जो आगे आके काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ें मेरे को देखने में अच्छी लगी। जैसे मैं जितनी भी कंट्रीज में आज तक 5-6 कंट्रीज में मैंने ट्रैवल करा, वहाँ पे मैं देखती थी कि लड़कियाँ ही एक फूड कार्ट चला रही होती हैं, अच्छा अर्न कर रही हैं अपना, है ना। तो जहाँ अगर हम इंडिया में देखें ना, अभी भी मैम काफ़ी लड़कियाँ हैं जो अभी भी घर पे हैं, कहीं को स्टडी नहीं करवाई जाती, जॉब्स नहीं करवाई जाती, मैरिड वूमेंस भी देख लो उनको अलाउ नहीं किया जाता आगे आना। मैंने सोचा यार अब पता नहीं कितनी देर तक इंडिया में ऐसा चलेगा, मैंने भी आगे मूव हो जाना है, तो वहाँ पे मैंने बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो एक मैंने ना यहाँ पे एक छोटे लेवल से एक अपनी बेसिक ट्रेनिंग सी करी, मेरे को था कि पहले एक कैफेटेरिया में मैंने, हाँ मैंने वहाँ पे भी 1 मंथ मैंने जैसे देखा, तो मेरे को लगा कितने साल लग जाएंगे अपनी ट्रेनिंग करने में जो जॉब्स करने में, तो अपना ही खुद स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने विज़िट कराई, एक मेरे को लोकेशन अच्छी मिली कि जैसे यहाँ पे कंपनीज है, अच्छे ऑफिस है, कि चलो यहाँ से एक स्टार्टअप हो जाएगा, अपनी भी एक बेसिक ट्रेनिंग हो जाएगी, उससे मैंने ये स्टार्ट करके आज यहाँ तक मैं पहुँची। तो कैसा है लोगों का रिस्पांस? बहुत अच्छा रिस्पांस आया, मतलब बड़ा प्यार भी मिलता है लोगों को, फैमिली मेंबर की तरह आज लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग हैं जो आज मेरे साथ जुड़े हैं। अगर मैं एक दिन छुट्टी कर भी लेती हूँ, वैसे तो संडे को ऑफ होता है हमारा, तो उस दिन भी कई कहते हैं कि मैम संडे को भी लगा लिया करो आप, पहले मंडे टू फ्राइडे लगाया, फ्राइडे को लोगों के मैसेज आने लगे मैम सैटरडे सैटरडे लें, उसके बाद मंडे टू सैटरडे करके अब संडे का ऑफ करते हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो मतलब खाना घर से बना के लाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं? यहाँ पे मैम सिर्फ चपाती बनती है, राइस बन जाते हैं, बाकी जो सब्जी वगैरह 4 सब्जियाँ होती हैं रोज़, वो इतना मैनेज यहाँ पे करना बड़ा मुश्किल है। वो घर से बनता है। कितने बजे उठ जाते हो सारा काम करने के लिए? सुबह मैम मैं 6 बजे उठती हूँ, समटाइम 5:30 भी उठना पड़ता है, तो उस वजह से प्रिपरेशन करने के लिए 10:30-11 बजे पूरा खाना तैयार हो जाता है। तो रेसिपी खुद की है? रेसिपी को मैम इंडियन स्टाइल फूड है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, एक राजमा कड़ी है, सबके मसाले जो सेम होते हैं, एक बारी ग्रेवी बनानी है सब कुछ करके, तो उस हिसाब से ये खाना बनाया जाता है। तो घर वालों का रिस्पॉन्स अब कैसा है, क्योंकि सारे बाहर के हैं ना, NRI? घर वालों का रिस्पॉन्स मैम इतना अच्छा, उनको पता ही नहीं था कि हमारा बच्चा एक वहाँ पे छोटा सा काम करा, उनको था चलो ये अगले 6 महीने में कनाडा मूव होने वाली है, जैसे वो कह रहे थे कि हाँ जी तो कनाडा आ जाना है, सारी फैमिली दोबारा सबको एक सामने इकट्ठे ही रहना है, तो मेरे को एक इंडिपेंडेंट लाइफ में बड़ी अच्छी लगती है कि मेरे को एक मैं सारी ज़िंदगी इंडिपेंडेंट ही रहूँ, किसी पर बोझ ना बनूँ ना मेरे पे कोई बने, तो अपना खुद का काम करो। जैसे मैंने छोटा सा काम करा ना, इससे मेरे को इतना प्यार मिला लगा, जैसे आप आज अभी आप आए हो, रोज 3-4 न्यूज़ चैनल आते हैं, कभी फूड ब्लॉगर्स आते हैं, इतनी ट्रैवल हो रहा है ना यहाँ पे, वो जो कस्टमर्स आ रहे दूर दूर से, कोई हिसार से आ रहा है, कोई अंबाले से आ रहा है, प्यार बहुत लोगों का मिला, अच्छा लग रहा है। अब तो मेरे मन में बाहर जाने का मतलब ख्याल ही खत्म हो गया है। तो मतलब कि सुन लो यार, बाहर जाना भी इतना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे भी अगर चाहो तो क्या नहीं हो सकता, वो तो है जहाँ पे चाहे वहाँ पे रहे। सी सो थैंक यू सो मच अमन, खाना बहुत अमेजिंग था, वो हम लोग टेस्ट कर चुके हैं, एंड प्राइजेस भी बहुत रीजनेबल रखे हुए हैं, और यू नो बैठने का जो सिटिंग एरिया है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। वही है मैम, देखो अगर रेस्टोरेंट भी हम कर लेते हैं रेस्टोरेंट के हिसाब से, और चलो उनके भी सही है कि उन्होंने उस हिसाब से अपनी बिलिंग रखी होती है कि 450-500 या 200 से नीचे कुछ भी नहीं मिलता, उन्होंने अपने बिल निकालने होते, इलेक्ट्रिसिटी AC ये वो स्टाफ की सैलरी सब कुछ निकाल के, तो यहाँ पे एक लोगों को अच्छा लगता है सारा दिन जो लग्जरी, अच्छे अच्छे लोग आते हैं यहाँ पे, लग्जरी लाइफ हर किसी के पास, आज मेरे पास भी थी, जैसे मैं कुदरत से जुड़ी ना 6 महीने में, इतनी गर्मी में वो स्ट्रगल भी करा, तो उसका आज वो अच्छा रिस्पॉन्स मिला, वो भी बड़ा अच्छा लगा कि हाँ जी इतना मतलब सेक जो होता है ना, कि जो सेक लेके आज वो प्यार मिल रहा है, मजा आ रहा है। हाँ, तो आज जो लोग भी आते हैं उनको भी अच्छा लगता है, जैसे आगे सर्दी का टाइम है तो अभी लोग बाहर बैठना पसंद करते हैं कि हाँ ठीक है यार आराम से एक अच्छी लाइफ मिलती है। थैंक यू सो मच। सो गाइज, अगर यू नो आके अमेजिंग सा खाना रीजनेबल रेट पे खाना चाहते हो और अमन से भी बात करना चाहते हो, तो आ सकते हो सेक्टर 90 मोहाली NP टावर के बिल्कुल सामने, और संडे को ऑफ रहता है। और वैसे कितने बजे स्टार्ट हो जाता है? मैम 12 PM to 5 PM, 12 से 5 बजे तक, तो आके आराम से बैठो बाहर, इंजॉय करो और खाना टेस्ट करके हमें भी कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। सो अगर पूरी वीडियो देख ली हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, और इंस्टा पे फॉलो कर लो, और थैंक यू बटन पे आप क्लिक कर लेना। थैंक यू।